नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हम चालू किए थे और आज हम दूसरी क्लास को करने वाले हैं। ठीक है, पहली क्लास में हमने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को कवर किया था, उसके आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी जो जो चैप्टर हम कर चुके हैं प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। सारी रिकॉर्डेड क्लास है और बिल्कुल जीरो से हीरो तक बता रखा है। सभी क्वेश्चनों को हम सोल्व अच्छे से किए हैं, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच से। साथ ही हम साधारण ब्याज चालू कर रहे हैं, ये भी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में लगभग 200 के आसपास समथिंग क्वेश्चन है साधारण ब्याज के, और सभी क्वेश्चन रेलवे के सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ये दूसरी क्लास को देखने से पहले यदि कोई बच्चा पहली क्लास नहीं देखा है तो पहली क्लास को प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा और वहां से क्लियर कर लीजिएगा। कुछ चीजें मैंने वहां पे बताई थी कि कौन मूलधन होता है, कौन दर होता है, कौन समय होता है। ठीक है, चलिए आज सवाल करते हैं। तो 16वें नंबर का सवाल देखिएगा, 15 तक हम कर चुके थे पहली क्लास में। यहाँ क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। सवाल कह रहा है 75,000 रुपए की राशि पर 2.5% की दर से 5 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत शानदार। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि दर को सुधार लो तो कैसे सुधारेंगे। देखो भाई, 2.5% है। देखिएगा बाबू, अगर हम इसको सही करें तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 6 और 5 कितना होगा 11। 11/3% सही होगा क्या? 11/3%। चलिए, हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, PRT/100। तो यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा 75,000 है ना, 75,000, 75,000 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको दर कितनी दे रखी है 11/3। तो यहाँ पे थोड़ा सा होशियारी से काम करना है हमें। यहाँ 11/3 लिख कर परेशान नहीं होना है, लिख भी देंगे तो काटापिटी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, 11 यहाँ लिख देते हैं, 3 यहाँ लिख देते हैं, 11/3। ठीक है, चलिए, समय कितने वर्ष का है तो 5 का है, हम 5 लिख देते हैं। और नीचे कितना आ जाएगा तो 100 आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आपकी इच्छा है तो आप ऊपर 3 लिख दीजिए, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो काटापिटी में और ज्यादा आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, तो चलिएगा, हम लिख दिए 11/3। अब यहां पे कैलकुलेशन करें तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। अगर हम 3 से इसको काटें तो 3 से कटेगा ये, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 और 0 ऐसी के ऐसी। अच्छा, एक और चीज बताएं आपको, यहाँ 11 है तो ऑप्शन में भी हम देख सकते हैं कि कौन सा आंसर है जो 11 से कटता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन गुणा करना भी सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 25 का गुणा 5 में करूँ तो 25 × 5 = 125 और पीछे 0 है तो ये हो जाएगा 1250। अगर इसमें मैं 11 का गुणा कर दूं तो 11 गुणा करने की भी शानदार सी ट्रिक होती है, चैनल पर डाल रखी है। अभी हम सीधा तौर पर गुणा कर देते हैं, 5 आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये एक ऐसा कैसा। ठीक है, पीछे 0, 13,750 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 13,750। सहमत हैं? कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 13,750 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, और 17 पे है दोस्तों बहुत बड़ा खतरा। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल, देखो सवाल बड़ा है, सवाल को पढ़िए और थोड़ी सी भाषा को घुमा रहा है ना, और कुछ नहीं है। सवाल देखिएगा, श्री राम ने 12,200 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 2% की दर से 4 सालों के लिए निवेश की। ठीक है सर, बाद में उसने मूलधन राशि के साथ साथ जो लाभ मिला है उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। मतलब उसने धन राशि के साथ साथ अर्जित लाभ को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धन राशि मिलेगी। समझ गए सवाल, 1 से 2 बार पढ़ना क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, मैं बता देता हूं कहना क्या चाहता है। सबसे पहली बात यह है कि मान लीजिए मैंने आपसे 12,200 रुपये उधार लिए, ठीक है।
आपसे मैंने 12,200 रुपये उधार लिए, 2% की दर से लिए 4 सालों के लिए, आपने मुझे पैसा दे दिया। लेकिन जब देखो, जब मैं आपको पैसा देता हूँ तो आप क्या करते हैं, धनराशि के साथ साथ आप जो ब्याज मिला है आपको, जैसे मैं आपको 12,200 रुपये तो दूंगा ही दूंगा, साथ में मैं आपको ब्याज भी दूंगा, ठीक है। अब मैंने आपको ब्याज भी दिया और आपको क्या मूलधन भी दिया, तो आपके पास क्या आ गया है, अमाउंट। अगर आप उस अमाउंट को दोबारा ब्याज पे दे देते हैं तो वो क्या होगा, वही बात बोली है कि मूलधन राशि के साथ साथ ब्याज को भी साधारण ब्याज की दर से, उसी दर से अगले 4 वर्षों के लिए पैसा लगा देता है तो ब्याज कितना मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जो आपने पैसा मुझे उधार दिया 12,200, उसके साथ मैं आपको ब्याज भी दूंगा और मूलधन भी दूंगा, उसी पैसे को आप अगले 4 साल के लिए लगा देते हैं तो आपने जो अमाउंट लगाया है उस पर आपको ब्याज कितना मिला है, ये क्वेश्चन है। तो सवाल बनाते हैं, देखिएगा, 12,200 रुपये लगाए हैं, ठीक है। अच्छा, एक और काम यहाँ पे करते हैं, देखो बेसिक तो हो जाएगा, लेकिन कल मैंने आपको एक तरीका बताया था, कभी आपको पता हो तो। क्या बताया था सर? देखो, मैंने बताया था कि मूलधन अपने आप में के प्रतिशत होता है, 100%, ठीक है। अगर दर मान लीजिए 2% है बाबू, देखिए, और समय मान लीजिए 4 वर्ष है, कितना वर्ष है, 4 वर्ष है। तो मैंने दो प्रकार की बातें करी थी, एक बताया था मैंने सिंपल इंटरेस्ट और एक बताया था मैंने अमाउंट, ठीक है। मैंने बताया था जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो ई दोनों का मल्टीपल होगा, तो 4 गुना कितना होगा, 8%, तो साधारण ब्याज का परसेंट कितना होगा, 8। और यहां मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट कैसे आएगा, प्रिंसिपल को जोड़कर, प्रिंसिपल में जोड़कर। तो ये बताइए 100 और 8 कितना हो जाएगा, 108%। यानी मैं पूछू अमाउंट कितना होगा तो 108, साधारण ब्याज कितना होगा तो 8, ठीक है। ये परसेंटेज वाली चीजें हैं जो मैंने पहली क्लास में भी आपको बताई थी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पता है, तौर पे डरिए नहीं, देखो सब सवाल करेंगे, ऐसा नहीं किसी को छोड़ दें, है ना, 17 है, खतरा है, बिल्कुल करेंगे। अब यहां पे बात सुनना, ये 12,200 मूलधन है, तो 12,200 मूलधन है, तो मूलधन को किससे भागा देंगे, 100 से, क्योंकि मूलधन को मूलधन काटेगा, मिश्रधन को मिश्रधन काटेगा, ठीक है। और जिसको हमें चाहिए, जो हमें चाहिए उसका हम गुणा कर देंगे। एक चीज ध्यान से सुनो, 2% की दर है, देखो 2% दर है, समय है 4 वर्ष, तो ये बताओ 4 गुना कितना होगा, 8%, कितना होगा, 8%। तो ये 8% क्या निकल के आएगा, ब्याज। अगर मैं यहाँ 8 का गुणा कर दूं तो साधारण ब्याज आ जाएगा, लेकिन मैं 8 का गुणा नहीं करूंगा, मुझे चाहिए अमाउंट। बोले सर अमाउंट क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि धन राशि के साथ साथ वो ब्याज को भी पैसा पे चला रहा है अगले 4 साल के लिए, यानी जो उसे अमाउंट मिलेगा ना वो उसे भी ब्याज पे दे देगा। तो यहां पे हमें अमाउंट चाहिए, तो 100 से भागा क्यों दिए, क्योंकि ये मूलधन है। और ये बताइए 8% जो आ रहा है ये ब्याज आ रहा है, यदि 8 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 108। अब यहां से जो कैलकुलेशन करके आएगा ना मेरे भाई, वो क्या होगा, तो वही आपका अमाउंट होगा, ठीक है। तो चलिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ई दोनों का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं 122 और 108 का गुणा करता हूं, देखते हैं कितना आता है। तो 8 दुनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दुनी 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 0 आएगा, यहाँ पे डबल क्रॉस करते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 1 ऐसा कैसा हो जाएगा, क्लियर है। क्या बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 9 2 11, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यानी यहाँ आ रहा है 13,176। कितना आ रहा है मेरे भाई, 13,176। पर ये आंसर नहीं है, ये क्या फंडा है पता है, जैसे कि अगर मैं आपसे 12,200 रुपये उधार लेता हूं, है ना, 2% की दर से लेता हूं 4 सालों के लिए, तो जो मैं आपको पैसा लौटाऊंगा वो पैसा होगा 13,176। कितना होगा, 13,176, और ये होगा अमाउंट, ये होगा अमाउंट। अब आपने क्या किया कि इसी अमाउंट को उसी दर पर 4 साल के लिए लगा दिया, मतलब कि आपने इस पैसे को 2% की दर से 4 साल के लिए लगा दिया, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको जो लौटाया है वो अमाउंट है, लेकिन अब आप इसको जो पैसा दोगे ना तो ये मूलधन बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ब्याज निकालते हैं हमारा देसी फॉर्मूला लगा के, क्या होगा, तो ये हो जाएगा 13,176 गुणा दर कितनी हो जाएगी, 2%, समय हो जाएगा 4 वर्ष, और बटे में कितना, 100, क्योंकि दर वही है, समय कितना कर दिया उसने, 4 साल, अगले 4 साल के लिए पैसा लगा रहा है, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, यहां पे ये हो जाएगा 4 दुनी 8, 8 का गुणा यहां करते हैं, है ना, 4 दुनी 8, 8 का गुणा यहां करें, 8 6 48 की 8 हासिल कितना हो जाएगा, 4,
आठों सती छप्पन, छप्पन और चार साठ जीरो, यानी छह बचेगा। आठ एकम आठ, आठ और छह चौदह, चौदह की चार हासिल एक बचेगा। आठ तीन चौबीस और एक पच्चीस, पच्चीस की पांच हासिल कितना बचेगा, तो दो बचेगा। और आठ एकम आठ और दो कितना होगा मेरे भाई, दस होगा। यानी यहाँ कितना मिल रहा है मेरे भाई, यहाँ पे देख लीजिए। लेकिन लेकिन मेरे भाई नीचे सो भी है ना, नीचे सो है, इसका मतलब पीछे से आप दो अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो अगर हम पीछे से दो अंक बाद पॉइंट लगा दें तो यहाँ हो जाएगा 1054.8। ऐसा किस ऑप्शन में है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर पहला फॉलो कर रहा है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है मित्र, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या कह रहा है, 2000 रुपए की राशि पर एक पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से चार साल का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ थोड़ा सा घुमाया जा रहा है, बात सुनिएगा। एक पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से, प्रति माह की दर से, यानी मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जो आपकी रेट निकल के आएगी ना मेरे भाई, जो आपकी रेट निकल के आएगी वो आएगी 1% प्रति माह। क्या होगी, 1% प्रति माह, समझना। उसने ऊपर एक लाइन लिखी है, एक पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से, यानी क्या रहता है कि प्रति रुपए यानी एक रुपए पर एक पैसा ब्याज मिलेगा, एक रुपए पर एक पैसे का ब्याज मिलेगा प्रति महीने के हिसाब से। लेकिन पता है आपको जो समय दिया है वो चार वर्ष दिया है, तो देखो अगर दर प्रति माह की है तो समय भी हमें महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये चार महीने है और चार महीने में मैं 12 का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 महीने। कितना हो जाएगा, 48 महीने हो जाएगा। आप 48 भी लिख सकते हैं या 4 गुणा 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल में वही फॉर्मूला हमारा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हो जाएगा मेरे भाई के 1000, 2000, दर कितनी हो गई 1% और समय हो जाएगा 4 वर्ष। लेकिन चार को मैंने किस में कन्वर्ट किया, महीने में, तो मैं यहाँ पे किसका गुणा कर दूंगा, 12 का, और भागा किसका देंगे, वही 100 का। कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि सर आपने समय में तो 12 का भाग देते थे, यहाँ गुणा क्यों किए। बाबू समय में 12 का भाग तब देते थे, समय को वर्ष बनाते थे, वो तो पहले से ही वर्ष है। दूसरी बात, जब वर्ष में समय नहीं होता था तो 12 का भाग देते थे यदि दर वार्षिक होती थी तो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे दर वार्षिक नहीं है, प्रति महीने की दर है, तो समय भी मासिक चाहिएगा, ठीक है। तो हम इसमें 12 का गुणा किए ताकि ये क्या बन गया, महीने। काट देते हैं, दो शून्य से दो शून्य कैंसिल, ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 48 दुना 96 हो जाएगा, ठीक है। पीछे के जीरो है, एक जीरो, 960 हमारा आंसर होगा, 960 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लोको पायलट में पूछा गया है, सवाल कह रहा है, राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। सीधी बात, नो बकवास, साधारण ब्याज पूछा है, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा बड़े लेवल पे है, ठीक है। यहाँ पे हम निकालते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जो सवाल साधारण तरीके से हो रहा है उसको कठिन बनाने से क्या मतलब, जहां सवाल बड़े आएंगे वहां आपको बताएंगे ना, इसमें सीधा सीधा ब्याज निकालना है। तो मूलधन हो जाएगा मेरे भाई 600 रुपए, यदि मैं बात करूं दर की तो वो के परसेंट है 8%, और समय की बात करें तो समय है 5 वर्ष, बटे में कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट सब एक जैसी है, दर भी वार्षिक है और समय भी वर्ष में, तो किसी को कोनो चेंज नहीं करना है। चलिए दो शून्य से दो शून्य, आठों पंजे 40, 40 का गुणा 6 में करें तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, आठों पंजे 40, 6 चौक 24, 240, 240 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। बोलिए सहमत है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी धन राशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपए प्राप्त होता है, यानी हम 10 साल के लिए पैसा देते हैं तो 600 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है।
यदि 5 साल बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 साल बाद कुल ब्याज कितना होगा? 10 साल बाद कुल ब्याज कितना होगा? यहाँ पे फंडा समझना, जैसे कि हम यहां से यहां पूरे 10 साल का ब्याज बना देते हैं, ठीक है? आपको पता है 10 साल का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज कितना है मेरे भाई? 10 साल का ब्याज दिया है 600 रुपए। आपको पता होगा कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल का समान होता है, साधारण ब्याज हर साल का समान होता है। तो भैया यहाँ पे बात करिए, 1 साल का निकाले तो 60 रुपये निकल जाएगा, लेकिन खैर छोड़िए, 10 साल का कितना हो जाएगा? तो 600 रुपये। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समझना। साधारण तरीका देखिए, बेसिक आप किताब से भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे तरीका देखिएगा हम जो बता रहे हैं। मैंने बताया कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 साल, और यहां मैं लिख देता हूं 5 साल। 5 साल और 5 साल के साल हो जाएगा मेरे भाई 10 साल। सहमत है? कितने साल? 10 साल। तो देखिए, अगर उसने क्या बोला कि 10 साल का साधारण ब्याज 600 है, लेकिन यदि 5 साल बाद मूलधन को 3 गुना कर दें तो 10 साल बाद ब्याज कितना होगा? तो जो भी ब्याज होगा वो 600 से ज्यादा होगा, तो 300 आंसर तो हो नहीं सकता, ठीक है? बाकी सभी ऑप्शन 600 से बड़े हैं। चलिए आगे करते हैं। देखो अगर हम बात करें कि 10 साल का 600 तो 5 साल का 300 सही होगा क्या? आधा कर दें, 10 का आधा 5 तो 600 का आधा 300 है ना, तो हम बोल सकते हैं कि 300 रुपये ब्याज के होंगे शुरू के 5 साल में, शुरू के 5 साल में। लेकिन 5 साल बाद मूलधन को 3 गुना करें हैं तो ब्याज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मान लेते हैं मूलधन जो है ना वो पी है, क्या है? पी है। और जब मूलधन को 3 गुना करेंगे तो मूलधन का रेशो कितना हो जाएगा? 3p। कितना हो जाएगा? 3p। अब देखो सो सिंपल तरीका, ज्यादा उलझना नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पे जो ब्याज आएगा वो 300 नहीं होगा, क्योंकि 300 300 600 जब मूलधन पी होता तो 300 ब्याज होता, जब मूलधन पी होता तो 300 ब्याज होता। मूलधन के गुना हो गया है? 3 गुना, तो यहाँ ब्याज भी गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो देखो पी के रहते हुए ब्याज कितना था? 300, तो ये 3 गुना हुआ है, तो हम इसको 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा? 900 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा? 900 रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी शुरू के 5 साल 300 रुपये का ब्याज मिला, और जो अंतिम 5 साल है ना मेरे भाई, जो अंतिम 5 साल है उसमें 900 रुपये का ब्याज मिला। अगर मैं 300 रुपये और 900 रुपये को हम जोड़ दें तो कितने रुपए आएंगे? 1200 रुपये। और ये 1200 रुपये का ब्याज कितने साल का होगा मेरे भाई? तो 10 साल का होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? पैसा बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। अगला सवाल, 4.5% की दर से 4 साल 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त ब्याज कितना होगा? जेई में पूछा गया सवाल है। देखो भाई मैं तो कहूंगा कि सीधा सीधा वहीं पे जमाएंगे। अब तो देखो दर कितनी है? 4.5%, सीधे फॉर्मूले में रखेंगे। मूलधन कितना है? 2400। समय उबड़ खाबड़ है, 4 साल 6 महीने। तो देखो 4 साल ऐसे कैसे रखो, 6 महीने में हम 12 का भाग दे देते हैं। काहे? ध्यान से सुनना, 4 साल है तो उसको साल ही रहने दो, महीने में हम 12 का भाग देंगे ताकि वो भी वर्ष बन जाए, ठीक है? तो 1 साल में के महीने होते हैं? 12 महीने। तो 6 में हम किसका भागा देंगे? 12 का। 6 एकम 6 और ये 6 दूनी 12, इसको सही करिए तो ये हो जाएगा 4 सही 1/2। इसको और फ्रैक्शन में बदलें तो 4 दूना 8 और ये कितना हो जाएगा? 9/2 वर्ष। 9/2 वर्ष, बोलिए सहमत है? 9/2 वर्ष, या फिर आप इसको 4.5 भी लिख सकते थे, क्योंकि देखो 4 से 1/2 मतलब 4.5, ठीक है? चलिए वही फॉर्मूला देखिए भाई, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 2400, दर कितनी है मेरे भाई? 4.5, और समय कितना है? तो 9/2 वर्ष। 9 लिख दीजिए और बटे में 2 लिख दीजिए, गुणा किसका? 100 का। कंफ्यूज मत होना, मेरी बात सुनो, वहां भी 9/2 लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो समय 9/2 वर्ष, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 9/2 लिख दिए हम लोग, ठीक है? और आप दो यही नहीं कहीं भी लिख दीजिए, बस गुणा में होना चाहिए वो, है ना? चलिए काट देते हैं इसको, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। और एक और चीज हम करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे K0 आएगी, 1 0।
ठीक है। और काटते हैं, 5 से काट दे क्या, देखो 5 9 45 और 5 2 10। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे हमको यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल नहीं किया, सुनिएगा 2 2 4 होता है, 2 2 4 होता है, 4 से के बार 6 बार, 4 6 24, तो ये 6 ऐसा के ऐसा इंटू 99 कितना होगा 81, 6 1 6 8 6 48, 486 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होगा। बोलिए सहमत हैं? ठीक है भाई, मतलब हमने कुछ नहीं किया, समय को चेंज किया है और समय को चेंज करके यहां रखा है फॉर्मूले में, बाकी जो भी है वो कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 22, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। बहुत बढ़िया सर, समान दर है और समान राशि है, तो जो समय का रेशियो है वही आंसर हो जाएगा। मेरी बात को समझना, अलग अलग योजना में 6 साल के लिए पैसा लगाया और 10 साल के लिए पैसा लगाया, बोला कितना ब्याज मिलेगा, रेशो बताइए, दर भी समान है मूलधन भी समान है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 5 बार, 3:5 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बल्ले बल्ले। लड़का कहेगा कैसे, आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मान लीजिए कुछ भी मान लो, मान लीजिए हम पी मान लेते हैं, मूलधन मैंने पी लगाया प्रिंसिपल, तो वहां भी क्या लगाया था, पी लगाया होगा, देखना दर नहीं पता, दर आर लिख देते हैं, तो यहां भी दर आर ही होगी, ठीक है। यहां समय के वर्ष का है तो 6 वर्ष का, यहां कितने वर्ष का समय था, 10 वर्ष का, इस पूरे के बटे में कितना 100 और इस पूरे के बटे में भी कितना 100, यही तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं आपको, मैं बता दूं, पहली बात 100 से 100 कैंसल। अब आपको पता है यहाँ प्रिंसिपल अलग होता है, यहाँ अलग होता तो चीजें चेंज हो जाती, लेकिन दर भी समान है और राशि भी समान है तो कुछ चेंज नहीं होगा, मूलधन और दर से मूलधन और दर खत्म, यही काट देते हैं 2 से 3 बार और ये कट जाएगा 2 से 5 बार, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 3:5 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। लीजिए भाई, ये फिर आ गया, आपको पता है मैंने आपको एक चीज बताई थी पहली क्लास में, आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है और भी कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 6.25% की दर से 5,000 रुपए की राशि 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जिस दिन पैसा दिया जाता है उस दिन का ब्याज नहीं लिया जाता, लेकिन जिस दिन पैसा आदमी लौटाने आता है उस दिन का ब्याज लिया जाता है। यानी हमें क्या है कि फरवरी में यदि 28 दिन होते हैं, 2017 जो है ना वो सामान्य वर्ष है, तो फरवरी में 28 दिन होते हैं तो हम 5 दिन को घटा देंगे, ठीक है, और जो दिन बचे हैं ना उस पर ब्याज लगेगा, पहली चीज। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि दोनों दिन सम्मिलित हो, तो हमें जिस दिन पैसा दिया है वो दिन भी काउंट करना है और जिस दिन आदमी पैसा लौटाने आया है वो दिन भी काउंट करना है, ऐसा मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, अब देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 2017, तो सबसे पहले दिन निकालते हैं, फरवरी कितने की थी 2017 में, 28 की, अगर मैं 28 में से 5 घटा दूं तो ये बताइए फरवरी के दिन आएंगे, तो फरवरी के जो दिन आएंगे वो दिन होंगे 23, फरवरी के बाद आएगा मार्च और मार्च होगा 31 का, मार्च होगा 31 का, मार्च के बाद अप्रैल आएगा और अप्रैल होता है 30 का, लेकिन मेरे भाई हमें 19 अप्रैल तक का सवाल दिया है, 19 अप्रैल तक पैसा लिया है, तो अप्रैल के कितने दिन जुड़ेंगे, 19 जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 9 1 10 और 3 13 की 3 हासिल 1 3 2 5 6 और 1 7, ये 73 बन गया, 365 का मल्टीपल ही हो जाता है कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे ब्याज निकालना है तो देखिएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, तो सर 5,000,
मूलधन कितना है तो 5,000, दर कितनी है तो 6.25, 6.25। और मेरे भाई ये बताइए समय कितना है तो 73 दिन का, 73। और पूरे के भटे में कितना आ जाएगा मेरे भाई तो 100 आ जाएगा। सहमत है, पूरे के भटे में कितना आ जाएगा तो 100 आ जाएगा। पहली चीज तो ये कि दिन है ना, तो दिन में किसका भागा देंगे 365 का, किसका भागा देंगे 365 का, क्योंकि दर वार्षिक है तो हम दिन नहीं लिखेंगे, दिन को कुल दिनों से भाग देंगे। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो 365 का भागा देंगे। चलिएगा, अच्छा ये बताइए अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो नीचे के जीरो आएगी, 2 जीरो। यहाँ तक सहमत है, चलिए अब इसको काटिए। कोई बोलेगा सर इसको काट के फिर रख देते, एक ही बात है, यहाँ काटो वहां काटो, काटना तो आप ही को है। 73 का पांचवा गुणज होता है 365, क्या बोलते हो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है सर, है ना, क्योंकि अब यहाँ 73 से इसको 5 बार हम काट सकते हैं। दूसरी बात आप यहाँ पे देखिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 5 से हम इसको कितनी बार काट सकते हैं तो सर 10 बार काट सकते हैं। और बताइए, और बताइए, तो यहाँ पे हम एक और काम करेंगे, 0 से क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, लेकिन उसके बाद काटेंगे तो आंसर पॉइंट में बनेगा। इससे बढ़िया है कि हम यहीं पे छोड़ देते हैं। 625 बटे में कितना है, 10। इसका रिजल्ट क्या होगा तो 62.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद आप चाहें तो एक जीरो और लगा सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। मैंने आपको पहले ही बोला था इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, और इसमें कुछ क्वेश्चन और है इस प्रकार के, लेकिन अगर आप ये बना लेते हैं तो आगे आप परवारे सवाल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹3,680 पर 4% की दर से 2.5 साल का ब्याज कितना होगा? इस बार फ्रैक्शन में ना देके पॉइंट में दिया है, कोई बात नहीं, कॉन्स्टेबल में आया हुआ सवाल है। साधारण ब्याज बराबर 3,680, ये हो जाएगा मूलधन। बात करें दर की तो दर है 4%, समय की बात करें तो समय है 2.5 वर्ष, 2.5। चलिए, और बटे में कितना आ जाएगा तो 100 आ जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे के जीरो आएगी, 1 जीरो, या फिर आप इसी में जीरो लगा देते, 1,000 बन जाता, ठीक है। काटते हैं तो 25 चौक 100, 0 से 0 कैंसल, और दोस्तों 4 से 4 कैंसल, सब कुछ कट गया, बर्बाद हो गया, तो बचा क्या, 368, 368 बचा है, और यही ब्याज होगा, 368 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए फिर से मजेदार सवाल, वीडियो रोक के बनाइए, जिसको आता है आपकी प्रैक्टिस ही होगी, नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। 6% वार्षिक ब्याज की दर से ₹2,500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? अब अगर मैं बात करूं 2 साल 3 महीने, तो देखो 2 साल है तो 2 साल रहने, तो 3 में भाग देते हैं 12 का, इसलिए दे रहे हैं ताकि हम उसको वर्ष बना दें, ठीक है। तो चलिए अगर हम यहाँ देखें तो 3 से 1 बार और 3 से कितनी बार, 4 बार, इसको सही करो तो 4 दुनी 8, 8 और 1 हो जाएगा 9/4, सही लिखा है क्या, चेक करिए, 4 दुना 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/4, ये आपका समय कन्वर्ट हो गया किसमें, वर्ष में, ठीक है। लगा देते हैं तड़का साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन हो जाएगा 2500, मूलधन हो जाएगा 2500, दर कितनी हो गई मेरे भाई 6%, और समय कितना है तो 9/4 वर्ष, कितना हो जाएगा 9/4 वर्ष, तो 4 नीचे लिख देते हैं, चलेगा। चलिए और 100 गाई का फॉर्मूले का ये लीजिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जरूरी नहीं 4 को यहीं चिपका के लिखें, कहीं भी लिख दो, आप गणित वाले हैं, गुड्डू उड़ा देंगे। चलिए 0 0, लगता है पॉइंट में आंसर आएगा, है ना, खैर कोई बात नहीं। 2 से काटते हैं 3 बार, 2 से काटते हैं 2 बार, 2 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, क्या बात है सर, गहरा गया,
25 तिया 75 75 में 9 का गुणा करते हैं, 25 तिया 75 75 में हम 9 का गुणा करते हैं और जो भी आएगा उसमें भागा किसका जाएगा तो 2 का जाएगा। यहाँ हम इन दोनों का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 9 5 45 की 5 हासिल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 9 7 कितना होगा 63। अगर इसको हम जोड़े तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 6 और बटे में कितना रहने वाला है 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम 2 से भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 3 6। ठीक है, यहाँ पे फिर भाग जाएगा 2 3 6 एक बचेगा, 2 7 14 और यहाँ पे फिर एक बचेगा तो पॉइंट लगा के 2 5 10। 337.5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सही है। लीजिए भाई ग्रुप डी 2018। यार आपको दर 2% तो देगा नहीं इतनी प्यारी के, लो भी आराम से काट लो, थोड़ा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। ठीक है, 1600 रुपए की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना हो गया 1600, दर हो गई 7.25%। ठीक है, और समय कितना हो गया मेरे भाई तो 10 वर्ष के वर्ष 10 वर्ष बटे में 100 आ जाएगा, वही कहानी। चलिए भाई तो सबसे पहले यदि हम यहां से पॉइंट हटाएं तो के 0 आएगी 2 0, सहमत हैं, काट देते हैं, करते हैं कैलकुलेशन। यहां पे 2 0 से 2 0 काट दे चलेगा। अच्छा और किससे काटे हैं तो सर और काट दो आप, 2 से काट दो, 0 0 और बताइए 5 से काटे क्या, 5 से काटे तो 5 एकम 5 2 बचेगा, 5 चौके 20 फिर 2 बचेगा 5 का 25 और ये हो जाएगा 5 2 10। अगर इसको हम और काटे मेरे भाई तो 2 से काट सकते हैं, 2 से कितनी बार 8 बार, कर दिया सब कुछ। 145 में गुणा किसका करते हैं 8 का। ठीक है, 8 5 40 की 0 हासिल 4 8 4 32 और 4 36 की 6 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 हो जाएगा 11। 1160 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई आगे बढ़े, हुआ भैया क्वेश्चन नंबर 27। बढ़िया सवाल है, 6600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो दोस्तों क्या बोला है, 6600 को बांटो। ऑप्शन में देखें तो सभी 6600 होंगे शायद जुड़ने पे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, देखो भाई हमें मूलधन नहीं पता है ना, तो हम बोलते हैं पहला भाग x है और दूसरा भाग क्या है y। तो देखो इस भाग को 3 वर्षों के लिए दिया गया 10% की दर पे, तो मैं बोलूंगा 10% की दर से 3 सालों के लिए दिया गया बटे में कितना 100। ये हो गया पहले वाले का साधारण ब्याज, दूसरे वाले का वाई होगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं दूसरा भाग वाई है, इस भाग को 4 वर्ष के लिए दिया गया 9% की दर से, 9% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया गया बटे में कितना हो जाएगा 100 और बीच में लिख देते हैं बराबर। क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि 6600 को 2 भागों में बांटा, पहले भाग को 10% की दर से 3 सालों के लिए दिया गया, दूसरे भाग को 9% की दर से 4 सालों के लिए दिया गया और दोनों बार में बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो मैंने यही तो किया, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको काटते हैं, चले 100 से 100 खत्म। और किसको काट दें, किससे काटना चाहिए, 3 से काटें, 3 से काट देते, 3 से 3 बार और बताओ, 2 से काटो, 2 से 5 बार और 2 से 2 बार और काटिए, बस अब नहीं कटेगा। तो सर ये हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x बराबर, ये क्या हो जाएगा 3 दुना 6 6 6 6y।
आपको अनुपात समानुपात में पढ़ाया है, और अनुपात समानुपात के लगभग हम 13 क्लास किए थे, पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ाया है, आप जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहां पे मैंने बताया था कि जो जिसके साथ होता है वो उसका नहीं होता है, वो किसी और का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स के सामने वाला एक्स का मान होगा और वाई के सामने वाला वाई का मान होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हम आपसे एक्स का मान पूछे तो 6 है और वाई का मान पूछे तो कितना होगा, तो वाई का मान 5 हो जाएगा। बोलिए सहमत हैं आप? अब हमें टोटल जो राशि दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 6600। इसको हम टोटल से भाग देंगे तो टोटल एक्स वाई, मतलब टोटल राशि कौन सी है, ये वाला और ये वाला भाग मिलाकर कुल भाग बनेगा, पहला भाग और दूसरा भाग मिला के टोटल भाग बनेगा। तो 6 और 5 कितना होगा, 11। अगर हम 11 से भाग दें तो 11 से कितने बार कटेगा, 6 बार, 600 बार कटेगा। 600 का गुणा यहाँ करें तो 6 6 3600 हो जाएगा, और 600 का गुणा यहाँ करें तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी पहला भाग 3600 और दूसरा भाग 3000, ये हमारा आंसर होगा। हे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, वो यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। सारथी ने 3125 रुपए जमा किए बैंक में, जिस पर बैंक द्वारा उसे 8% साधारण ब्याज पर वार्षिक देय था। यदि सारथी ने 5 साल के लिए बैंक में पैसा जमा किया तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। ले देखिए, ब्याज निकालना है, ग्रुप बी 2018 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। निकालिएगा कैलकुलेशन थोड़ा करके, आलसीपना नहीं करना है, इसको करिएगा। 28 वाले को ये आपके लिए छोड़ता हूं, जो भी आंसर है कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलती है कंपनी, 4600 रुपए का 4.5% की दर से 5 साल का ब्याज कितना होगा। बहुत सुंदर, हम लिख देते हैं 4600 गुणा, ये बताइए कितना हो जाएगा, 4.5 दर हो गई, समय कितना है दोस्तों, तो 5 साल है, समय कितना है 5 साल है, और भटे में कितना आ जाएगा, तो 100 हो जाएगा, भटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए यहीं पे देख लीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे, अरे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे के 0 1 0 आ जाएगी, काटते हैं इसको, 0 0 5 9 45 5 2 10, 2 से काटते हैं सर 23 बार। और बताइए यहां पे हम कर सकते हैं, देखो गुणाई करना है, ये 23 हो जाएगा, और यहां पे देखें तो 9 5 कितना हो रहा है, 45, 9 5 45, ठीक है, 5 3 15 है ना, 5 3 15 की 5 हासिल 1, या फिर हम डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, चलो कर देते हैं, 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 2 10 और 1 हो जाएगा 11, यहाँ देखते हैं 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 2 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, 1035 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। एक सवाल और, ठीक है, ये 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे आपके, ये लीजिए ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन नंबर 30 बनाइए, वीडियो रोक के देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका, फिर चेक करिए प्ले करके सही है कि गलत है। 5.25 साधारण ब्याज की दर से 3250 रुपए का 8 सालों के लिए ब्याज कितना होगा। यहाँ भी गुणा गुणा होगा लगे, 3250, ठीक है, इनटू ये बताना 5.25 गुणा समय कितना है दोस्तों, 8 वर्ष, कितना है 8 वर्ष, बटे में सो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे K0 2 0 K0 2 0, सहमत है? और बताइए, हो गया, काटे इसको, हम किससे काटना चाहिए, 25 से काटता हूं, देखो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 चौक 100, और सर और आप काट दीजिए 0 से 0, है ना, ये 0 से 0, 5 से और काट सकते हैं क्या, कैसे, 5 से काटे तो 5 6 30, 5 5 25, और ये हो जाएगा 5 2 10, ओके। और बताइए यहाँ पे क्या कट रहा है, तो और सर आप एक चीज देखें तो 4 2 8, 4 2 8 और 8 से 8 कैंसल, 8 से 8 कैंसल, तो 65 गुणा कितना, 21, 65 गुणा 21,
21 पंजे होगा 105, तो रिमाइंडर 10, और 21 का 6 गुना करें तो कितना होता है 126। यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1365 आएगा मेरे भाई गुना करने पे, कितना आएगा 1365। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा जी, जिसका था बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है भाई, तो लगभग 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, आगे के क्वेश्चन आगे की क्लास में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा पाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।